तो गाइस देख सकते हैं, आज 24 जनवरी है और फॉग देख सकते हैं। सामने मंदिर है वो भी दिख नहीं रहा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा फॉग है सुबह सुबह के टाइम पे। तो फॉग तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, विजिबिलिटी भी कम हो गई है यहाँ से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लॉग। तो आज डे 24 है जनवरी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठंडी तो जाने का नाम नहीं ले रही है। तो इससे पहले का जो मैंने क्लिप प्ले किया था वो सुबह 8:30 बजे का था। बेसिकली मुझे सुबह सुबह कहीं जाना था तो इतना ज़्यादा फॉग था, डेंस फॉग। आई थिंक 50 मीटर्स की जो विजिबिलिटी थी वो भी नहीं दिख पा रही थी, तो इसी वजह से फिर सुबह मेरा प्लान कैंसिल हो गया। तो इस टाइम आप देख सकते हैं हल्की हल्की धूप निकल रही है, लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉग अभी तक वैसी की वैसी है, लेकिन ये कि विजिबिलिटी पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो अभी भी सोच रहा हूँ कहीं जाने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ पा रहा है क्योंकि एक बार प्लान कैंसिल हो जाए फिर दोबारा प्लान बन नहीं पाता। तो आज सोच रहा हूँ कि कहीं मोटो व्लॉग करके आता हूँ छोटा सा। तो गाइज मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको मोटो व्लॉगिंग भी पसंद है, तो बीच बीच में मोटो व्लॉग्स भी मैं लाता रहूँगा। तो बेसिकली काफ़ी टाइम से मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अकेले मैंने जैसे बहुत पहले मोटो व्लॉगिंग की थी तो अकेले मज़ा नहीं आता था, कोई पार्टनर चाहिए होता था। तो इसलिए फिर मैंने वो थोड़ा कम ही कर दिया मोटो व्लॉगिंग वाला सिस्टम। तो डेली बेसिस पे तो ला ही रहा हूँ, तो फैमिली व्लॉग्स आप कह सकते हैं, जो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं मेरे व्लॉग्स। कुछ ऐसा वैसा तो है नहीं व्लॉग में। तो अगर आपको पसंद है तो कोशिश करूँगा मैं फिर मोटो व्लॉग्स भी बीच में लाने की। तो गाइस मैं ज़्यादा रोड रेज करता नहीं हूँ क्योंकि मेरी जो बाइक है मैंने बताया था 10 साल पुरानी है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने मीटर जो है वो चेक किया था, 45,000 किलोमीटर्स ही चली है और मैं बार बार बता चुका हूँ कि 10 साल पुरानी बाइक है मेरी। और ABS वगैरह उसमें है नहीं है, इसलिए मुझे देख के चलाना पड़ता है। और वैसे भी मैं जो हाईवे की स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है मैं उसी हिसाब से चलाता हूँ। तो गाइज़ मौसम साथ नहीं दे रहा, देखो अभी धूप निकल रही है। अगर सुबह की धूप निकली होती तो एक अच्छा व्लॉग निकालता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे फ्रेंड ने मेरे कहने पे नई पल्सर 150 ली है, जो सीट ब्रेक वाली है, डबल डिस्क वाली। उसके साथ कंपैरिजन लाने वाला था अपनी 150 का, प्लस और भी फीचर्स उसके देखने वाला था। तो गाइज़ हमने प्लान बनाया था शिवखोड़ी तक लॉन्ग राइड करेंगे, तो मौसम साथ नहीं दे पा रहा है, वरना हमें वो शिवखोड़ी जाना था। तो बहुत जल्द वो वाला व्लॉग भी ले आता मैं, तो उसी में आपको कंपैरिजन दिखा देता है नई पल्सर और पुरानी पल्सर का, क्या इसमें चेंजेस आई हैं। तो मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है कि जल्दी मैं उनसे मिल पाऊँ और इसके ऊपर एक व्लॉग बना पाऊँ। तो गाइज इस चैनल के साथ जुड़े रहना, तो अगर आप भी चाहते हो वो कंपैरिजन तो बहुत जल्द मैं ले आऊँगा। तो जुड़े रहना इस चैनल के साथ, जो फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो आपको डेली बेसिस पे व्लॉग्स मिल रहे हैं, तो मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं डेली बेसिस पे लाता रहूं। तो गाइस इस टाइम निकल पड़ा हूँ, लेट हो गया। सुबह से सोचा था जाना है मोटो व्लॉगिंग पे, लेकिन काम पड़ा हुआ था इतना तो निकल ही नहीं पाया। तो अभी स्पेशली निकल रहा हूँ थोड़ा बहुत कंटेंट के चक्कर में। अब देखते हैं, फिलहाल इस टाइम ठंड भी बहुत हो रही है। दिन को अच्छी वाली धूप थी, दिन को जा नहीं पाया मैं। इस टाइम ठंड भी हो गई है। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रेंड के बाइक के साथ कंपेयर करके व्लॉग बनाना है, तो कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वो वीडियो जो है वो टाइम पे मिल जाए। आज भी उनके साथ वीडियो कॉलिंग पे देख रहा था उनकी जो नई बाइक है, तो बहुत जल्दी और वो उसको राइड करके देखेंगे, कंपैरिजन्स निकालेंगे। तो गाइस अगर आप इसी एरिया से हैं तो कमेंट करके बताना। तो गाइस ये अखनूर हाईवे है,
फिलहाल सोच रहा हूँ बरनाई से होते हुए जाऊँ आज, बन तालाब से निकल के सीधा वापस घर की तरफ। फिलहाल मेरे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे कंप्लीट है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि आपने मेरे और भी व्लॉग्स देखे होंगे, जैसे मैं श्रीनगर से जम्मू की तरफ बाइक राइड कर लेता हूँ। एक बार कश्मीर से आ रहा था तो मुझे पकड़ लिया था, वो व्लॉग भी मैंने अपडेट किया हुआ है। वो सर ने देखा था कि फ़ोन आगे लगा हुआ माउंट पर, तो उन्होंने मेरे से पूछा है उसमें कि भाई बात कर रहे हो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो। मैंने बोला वीडियो चल रही है, तो बोलते ध्यान से जाना। तो वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लेना भाई, आई बटन फ्लैश हुई होगी। तो मतलब कि कहने का ये है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस से कोई पकड़ता भी है तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे, अगर आपने कोई वॉलेशन नहीं किया छोड़ देते। मेरे को तो उसी टाइम ही फिर उन्होंने छोड़ दिया था। मतलब पूछा कि फ़ोन पर बात तो नहीं कर रहे हो, बस इतना पूछा कि। तो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी तो उन्होंने बोला ध्यान से जाना, व्लॉगिंग करो आराम से, है कि नहीं। बीच में हम खुद गड़बड़ी कर देते हैं तो फिर उससे प्रॉब्लम होती है। तो ये बरनाई का रोड आ गया, मैंने इंडिकेटर दिया भी था। ठंड में स्पेशली निकला यार, इस बात पे सब्सक्राइब तो बनता ही है, वीडियो को लाइक कर देना। और मुझे कमेंट करके बताना कि जो ओवरटेकिंग होती है वो लेफ्ट साइड से करते हैं या राइट साइड से करते हैं। तो गाइस ये बरनाई है सारा एरिया है, कोई बरनाई से तो कमेंट कर देना भाई। तो एक बात और बताऊँ, इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखी थी, उस पर आधे क्लच की बात चल रही थी कि आधा क्लच पकड़ के एक्सलरेट देने से क्लच पैड्स ख़राब होती हैं। तो भाई बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था उस पर कि ट्रैफिक पे हो तो क्या करना। तो मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बता दूँ भाई कि जब आप कम स्पीड पर हो तो जैसे ट्रैफिक में आप पूरा एक्सेलरेशन नहीं करते हो तो पहला गियर जो होता है उस पर आप आधे क्लच पे ही बाइक या गाड़ी कुछ भी चला रहे हो तो वो चला सकते हो, उससे कोई क्लच प्लेट को असर नहीं पड़ता। ये बात हो रही है जैसे आप खुले रोड पे हाईवे पे आप बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, तो वहाँ पर अगर आधा क्लच दबा के रखोगे और एक्सेलरेट पूरा कर रहे हो, जैसे कि आप 50-60 की स्पीड पर चला रहे हो और क्लच आधा दबा के रखा है, तो उससे क्लच प्लेट्स पे असर पड़ता है और ख़राब हो जाती है, क्लच प्लेट्स उड़ भी जाती है। बाइक की अगर बात करें तो क्लच प्लेट्स का खर्चा नॉर्मली आप फिर बेयर कर सकते हो, लेकिन जो गाड़ी होती है गाड़ी के क्लच प्लेट्स भैया वो बेयर नहीं होते, वो 40-50 हज़ार 60 हज़ार पता नहीं कितने, वो डिपेंड्स करता है कि कौन सी कार है उसके क्लच प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो उड़ जाती हैं, वो सही बात है। अभी देखो मैं आधे क्लच पे गाड़ी चला रहा हूँ, ये स्पीड मेरी देख रहे हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं फुल एक्सेलरेट करूँगा तो भैया उसमें प्रॉब्लम होगी। ये देखो ये फुल एक्सेलरेट किया, अब मैंने पूरा क्लच छोड़ा था, तो अगर फुल एक्सेलरेट कर रहा हूँ और क्लच आधा दबा रहा हूँ तो मेरी भी क्लच प्लेट उड़ जाएंगी। ये देखो ये एक्सेलरेट किया तो मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया था, ये देखो अभी मैं एक्सेलरेट दे रहा हूँ और क्लच पूरा छोड़ रहा हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। अभी मेरी इस बाइक को भैया 10 साल हो गए हैं, टचवुड अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है, ये चलाने का तरीका होता है। अभी आप आधा क्लच पकड़ के फुल एक्सेलरेट देते जाओगे उससे क्लच प्लेट से देखना 110% उड़ जाएंगी। तो ये बंतलाव आ गया, तो स्पेशली व्लॉग के चक्कर में निकला हूँ भाई ठंड में,
मैं तो इस टाइम मेरा यहाँ पे कोई काम भी नहीं था, तो देख लेना भाई वीडियो को, लाइक कर देना। दरअसल मैं अभी इतने दिन से, पहली बार मैं जब से चैनल बनाया हुआ है तो मैं कंटिन्यू वीडियोस अपडेट नहीं कर रहा था, काम नहीं करता। अभी आपको पता ही है, इस बार मैंने इस जनवरी में कंटिन्यू वीडियोस डाली हैं। फ़िलहाल आज 24 तारीख है तो आज भी ये वीडियो डाल रहा हूँ। लगभग एक ही शायद दिन मैंने मिस किया होगा, तो इतने दिन मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता था कि आज वाली वीडियो भी मिस हो जाए, तो इसलिए निकला हूँ काम पे वीडियो के चक्कर में। तो ये बंतलाब आ गया हमारा, मेन चौक बंतलाब का, ये केवी स्कूल आ गया। तो देख सकते हो अभी तक मैंने बाइक चलाई है, ज़्यादा मेरे को रोड रेज नहीं आती है, ना मैं करता हूँ नॉर्मली जो रोड की रिक्वायरमेंट होती है स्पीड की, उसी के हिसाब से ही बाइक लाता हूँ। अभी आधे क्लच पे चल रही है फिलहाल, ये देखो। आधे क्लच पे कम स्पीड पे होगी जैसे अभी चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब जब एक्सलरेट करोगे, अच्छी स्पीड पकड़ोगे, तो क्लच पूरा छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जेब डीली करने के लिए तैयार हो जाओ। तो गाइस ये चिन्नौर एरिया आ गया और इनका दरवाज़ा भी खुला है। भैया दरवाज़ा खुला है, दरवाजे खुले हैं दोनों के, दोनों के दरवाजे खुले हैं। तो भैया ड्राइव कर रहे हैं, उनका खुद का भी डोर ओपन है और उनकी वाइफ का भी डोर ओपन है, ना अपनी वाली साइड का ध्यान रख रहे हैं ना अपनी वाइफ वाले, और उसमें गाड़ी में बेबी भी है। तो आप सब भी भाई जब गाड़ी चलाते हो एक बार डैशबोर्ड चेक कर लिया करो, मुझे लगता है आजकल तो मारुति 800 में भी जब आपका डोर ओपन होता है उसकी इंडिकेटर दिया होता है, उसमें रेड कलर का इंडिकेशन होती है कि आपका डोर ओपन है, तो एक बार चेक कर लिया करो। अब ये देखो ये कितना बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ इन्होंने यहाँ से सीट बेल्ट भी नहीं पहना होगा 110%, क्योंकि जो अपना लोकल एरिया होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं पहनते। तो अभी जैसे गाड़ी में बेबी है, ये झटका लगेगा तो सीधा बेबी भी बाहर, आंटी भी बाहर, तो इसलिए भाई ये काम नहीं करना। गाड़ी जब चलाते हो तो पूरा चेक किया करो, क्योंकि सवाल है भैया ज़िंदगी का, बाकी मर्जी है अपनी। अभी मैंने बोला भी इनको कि दरवाजे खोले हैं, फिर भी उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना ध्यान दिया, अब क्या कर सकते। तो गाइस फ़िलहाल घर वापसी हो चुकी है, तो इस व्लॉग को फ़िलहाल मैं यहाँ कट करता हूँ। तो गाइस फ़िलहाल मैं मोटो व्लॉगिंग करके आ गया हूँ, जिसको हम देसी भाषा में गेड़ी बोलते, गेड़ी मार के आ गया हूँ। तो ऐसे डेली बेसिस व्लॉग्स पे मिलता रहूँगा, कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता ही रहेगा। तो जो चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट करे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आएंगी तो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।